दूसरी गेट चौकी अंतर्गत ठटेरा चौक में इन दिनों आदतन बदमाशों की कारगुजारियों से यहां रहने वाले लोग खौफजदा हैं। बदमाशों के बढ़ते हौसले, आए दिन आम लोगों से मारपीट और पुलिस की सुस्ती आम नागरिकों में आक्रोश जगा रही है। ठटेरा चौक के रहने वाले आदतन बदमाश श्यामलाल बाबा, प्रताप मोंटू और शमी ने अपने साथियों के साथ इलाके के रहने वाले राजू और प्रदीप के साथ इसलिए मारपीट की क्योंकि इन दोनों ने बदमाशों को दारू के पैसे देने से मना कर दिया। मारपीट की रिपोर्ट चौकी पर दर्ज कराने के बाद पुलिस ने श्यामलाल और प्रताप दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है। शामू प्रताप उसके साथ में 6-7 जने और थे, उन्होंने प्राण घातक हमला किया। इसके 18 टांके आए और एक के नाक पे भी हड्डी फ्रैक्चर हो गया है और दुकान से काफ़ी लूटपाट करी है, सामान वामान फेंक दिया। वो तो पुलिस टाइम पे नहीं आती तो इसको जान से ही मार देते। शामू और प्रताप और आए थे दोनों तीन जने, 500 रुपये मांगे मेरे से, दारू पिए थे, मैंने 500 रुपये के लिए देने के लिए मना कर दिया, बस मार कूटा चालू कर दिया। उसके बाद 6-7 जने हो गए, दुकान का पूरा सामान तहस नहस कर दिया, पूरा तोड़ के वहीं पे कोई एंगल पता नहीं क्या पड़ा था, उठा के मेरे सरिये के एंगल की मार दी यहाँ पर। फिर 3-4 जने थे, फिर 5-6 जने उनके पीछे और आ गए, पूरा दुकान का सामान फिर लूट और गल्ला वल्ला सारा पूरा मतलब बिखेर दिया। वहीं ठटेरा चौक के दुकानदारों ने शिवसेना के जिला प्रमुख मुन्नालाल शर्मा और उप जिला प्रमुख मनोहर सिंह राजावत के नेतृत्व में सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर व्यापारियों पर प्राण घातक हमला करने वाले आदतन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ पे आए दिन ये शामू और इसके दोस्त है जो दारू पीते सामने होटल में बैठ के, जब से होटल खुली आए दिन होटल पे बैठते दारू पीते हैं, आए दिन आते हैं, कभी 500 दो कभी 1000 दो दारू पीने के लिए, मना करते तो गाली गलौज पे आते हैं, और आज आए तो पैसे मांगे भाई से, मना कर दिया तो इसमें तोड़फोड़ करके गले में जो पैसे थे उठा के ले गए और भाइयों को मारा। एक मेरे भाई की जो दोस्त है उसके बहुत चोटें आई है और छोटे भाई की भी आई है और उसके जो दूसरा पार्टनर है उसके भी आई है। अरेस्ट तो ये हो गए, इनको पकड़ लिए, बाकी फरार है, इनके 6-7-8 आदमी थे, ठीक है, गाड़ी भी इनकी जब्त करा दी हमने, पर ये रोज रोज का है, हमको इनसे निजात चाहिए। ये मेन जो आदमी अभियुक्त है वो है शामू, ठीक है ना, शामू है। और जब से होटल खुली है वहाँ तब से तो समझ लो, इससे 1 साल हो गया होटल को, तब से तो हमारा जीना आराम हो गया, ये सोच लो। एनी टाइम किसी से भी पूछ लो कि ना गाड़ी के अंदर 7-8 आदमी बैठ के गाड़ी रफ चलाते हैं और कोई बच्चा आ जाए, कोई आ जाए तो उसकी कोई परवाह है नहीं, रोको कुछ टोको तो गाली गलो मारपीट, ये है और कोई काम धंधा है ही नहीं इनका। श्यामलाल और प्रताप को दोनों को हिरासत में लिया गया, वह उनका दोनों का मेडिकल करवाया गया, अभी उन्होंने तहरीर रिपोर्ट दी है, मुकदमा दर्ज होने पर जैसी कार्रवाई होगी वैसी हम लोग मिलाई जाएगी। क्या बताया जा रहा है, पारिवारिक रंजिश नहीं बताई गई, वहाँ क्या है कि जैसे वो दारू पिए हुए थे, उन्होंने राजू से दारू के पैसे मांगे, दारू के पैसे के लिए राजू ने मना कर दिया, उसी बात को लेकर के उनको झगड़ा हुआ। ये मैं तो नहीं कह सकता, मेरे पास ऐसी कोई कंप्लेंट कभी आई नहीं, ऐसी कोई कंप्लेंट मेरे पास, मैंने मेरे को पहली दफ़े सुनने को मिली है, मेरे पास पहले कोई रिपोर्ट इस प्रकार की आई। अभी दर्ज होगा, मुकदमा जब होगा जब बता देंगे आपको, जो भी ऑफेंस है जिस प्रकार का और जैसी कार्रवाई वैसे अमल में लाई जाएगी।